सास बहू बेटियां बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी ना पहले सारी सासें एक जैसी थी, लेकिन अभी कितनी वैरायटी आई है। कोई पंजाबी सास, कोई साउथ इंडियन सास, कोई हिंदी सास, कोई बड़ी बड़ी भिंडी वाली गोपी बहू, और कोई ऐसे हाय इशिता इशिता अपनी माँ को बोल दे, अजीब अजीब सी सासें हैं, बहुत मजा आता है। एक तो पैक लगा के भी बात करती है, उसी शो में जो भी बात करी ना, पैक लगा के एकदम मस्त। जब बात ख्याल रखने की आती है तो आजकल हमारे रमन भल्ला उसमें झंडे गाड़ रहे हैं। जरा देखिए तो कैसे इशिता को व्हील चेयर पर कोर्ट ले जा रहे हैं। जी हाँ, रूही भले ही घर आ गई हो, लेकिन उसकी कस्टडी को लेकर रमन और इशिता को आज भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इस हालत में रमन इशिता का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। वैसे ख्याल रखने में रमन तो कई कदम आगे है। देखिए ना, इशिता के खातिर घर में रखी सारी मिठाई बिकवा दी। सिवाय बच्चों के सबको अपनी मर्जी का खाना नहीं खाना दूंगा मैं, सिर्फ बच्चे खाएंगे, बाकी सब डायरेक्ट समझी बड़े बड़े रखी है। जल्दी का हाथ में जल्दी जा और मिठाई दिखा घर में, तो नहीं दिखेगी, उसे बना रखना यूं और घर में मिठाई आई ले जाना और मिठाई का हाथ में रखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि रमन भल्ला घर में रखी सारी मिठाइयों के साथ साथ चीनी भी फिकवा रहे हैं। दरअसल आज भल्ला फैमिली में सबकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि उनका शुगर बढ़ गया है। किसे हो गई डायबिटीज? मुझे शुगर हाई है। क्या दिखा रहे थे? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है बॉर्डर लाइन है, थोड़ा सा बस शुगर कंट्रोल करना है, नथिंग एल्स। मिहिर कब से आपका वेट कर रहा है चाय के लिए, आप जल्दी जाओ फ्रेश होकर आओ। जैसे ही रमन भल्ला को इशिता के बढ़े हुए शुगर के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, घर पर रखी सारी मिठाइयों को बाहर फेंकवाने में। सारी मिठाइयां बाहर फेंक, शक्कर बाहर फेंक, सब चुप कर दो। चॉकलेट निकालो, चॉकलेट बाहर फेंक, आज तक घर में कोई मिठाई नहीं खाएगा। और चाय में आसपास शक्कर में लगी शुगर भी देखा, शुगर भी डाली समझी तुम। चुप, जितना कह रहा तो जितना बोलो तो सुनो। डायबिटीज से बीपी क्या होगा तुम्हारा? सुन, शक्कर बाहर फेंक, आज तक शुगर भी और ऑलिव ऑयल में खाना बनेगा, सिवाय बच्चों के सबको अपनी मर्जी का खाना नहीं खाना दूंगा मैं, सिर्फ बच्चे खाएंगे, बाकी सब डायबिटीज समझी। शुगर बड़ी रखी है, जल्दी का बाहर में जल्दी चला। इसे कहते हैं इशिता की स्मार्ट गिरी। दरअसल शुगर इशिता का नहीं बल्कि रमन बाबू का बड़ा है, और इशिता ने बड़ी ही चालाकी से ये बात अपने ऊपर ले ली, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रमन को उसके बढ़े हुए शुगर के बारे में बताएगी तो वो अपना ख्याल कभी नहीं रखेंगे। इसीलिए तो इशिता ने सारा गेम प्लान किया और इस चक्कर में पूरे घर वालों की डाइटिंग करवा दी। इसे कहते हैं मोहब्बतें। उम्मीद करते हैं आपकी ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे। आज तक ब्यूरो।